यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AM इक्वल टू 1/2 AB। कोई कंफ्यूजन? अरे जो AM है AB के आधा को माना कि OM OM उसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट में से दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो AM इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं। ठीक है? यानी जो AB होगा, ठीक है? जो AB जो AM होगा, AB का करेक्ट आधा होगा, ठीक ना? ऐसे ही यहाँ में लिख सकते हैं। CM इक्वल टू 1/2 CD। कोई कंफ्यूजन? CN इक्वल टू 1/2 CD, ठीक है? यहाँ पर लिख लेंगे इसको, टू में लिख देते हैं, तो AB इक्वल टू, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2AM, CD इक्वल टू 2CN, कोई कंफ्यूजन? अब सुनिए, AB इक्वल टू 2AM, CD इक्वल टू 2CN। अब हम जानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD है ना, तो 2AM इक्वल टू 2CN लिख सकते हैं। इसको जब हम 1 कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2AM इक्वल टू 2CN, यहाँ तक कराम 1। कोई कंफ्यूजन? 2 से 2 कैंसल, AM इक्वल टू AM इक्वल टू CN, AM इक्वल टू CN हो गया। अब सुनिए, AO इक्वल टू OC हमने आगे देख लिया है, AM इक्वल टू CN हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो देखिए, एक तो हाइपोटेनस और करेस्पॉन्डिंग साइड, एक तो हाइपोटेनस और करेस्पॉन्डिंग साइड दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। जो ट्रायंगल्स होगा आपस में क्या होगा? कंग्रुएंस होगा। किस कोण से? आर एच एस कंग्रुएंस कोण से, ठीक है? ये हो जाएगा, सो ट्रायंगल्स ओ एम ए कंग्रुएंस ट्रायंगल्स ओ एम सी बाय व्हिच रूल? आर एच एस कंग्रुएंस, ठीक है? बाय आर एच एस कंग्रुएंस, बाय आर एच एस कंग्रुएंस, ठीक है? देयरफॉर OM इक्वल टू OM इक्वल टू OM बाय CP CD बाय CP CD, यानी OM इक्वल टू OM। क्यों? जब दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंस हो गए तो CP CD के द्वारा करेस्पॉन्डिंग वाला कन्वर्जेंस ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग वाला कन्वर्जेंस ट्रायंगल से इसको आपस में इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है? लिसन अगेन, थ्योरम सेड दैट इक्वल पार्ट ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट मींस इक्वल पार्ट ऑफ देयर आर टू पार्ट इन एनी सर्कल्स इफ दे आर इक्वल इन लेंथ, देन थ्योरम सेड दैट शो दैट दे आर सिचुएटेड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी वे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे स्थित है, ठीक है? तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है ठीक ना?
और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AM इक्वल टू CM। सो अब देखिए AM इक्वल टू CM मिल गया और AO इक्वल टू OC भी मिल गया। अब ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, ये ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होंगे किस सूत्र द्वारा, RH का मान है सूत्र द्वारा, ठीक है। देयरफॉर OM इक्वल टू OM, यानी जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कन्वर्ज हो रहे हैं ये डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखा चाहिए हम लोग, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इसका आप लोग तो हमने थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव ये करना होगा कि यदि दोनों दोनों का आपस में इक्वल हो, नहीं ये दोनों का यदि इक्वल डिस्टेंस से हो ये आपस में इक्वल हो, ये दिखाना होगा। तो देखते हैं
posible. Reglas a circle. Reglas a circle. OM equal to OM क्या है? Given है, ठीक है? So triangles OMK congruent to triangles ONC by which rule RHS congruent to by which rule RHS congruent to समझ में आया RHS राय कहना triangles में यदि hypotenuse और corresponding side hypotenuse और corresponding side equal हो तो दिए गए triangles दोनों triangles क्या होंगे आपस में congruent होंगे clear हो गया अब देखिए इसका congruent हो जाएंगे therefore क्या हो जाएगा therefore AM equal to CN by which rule CPCD by which rule BPCD corresponding part of congruent triangles clear हो गया अब AM अब थोड़ा देखिए यहाँ पे AM AM किसका हाफ है AB का हाफ है क्यों है क्योंकि OM जो है AB को bisect कर रहा है जो OM AB को bisect कर रहा है तो ये दो बराबर भाग हो गए जो OM है AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो AM इक्वल टू AB और OM जो है CD को bisect कर रहा है OM इक्वल टू ये जो है OM CD को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो CM इक्वल टू AD हो जाएगा तब यहां से हो जाएगा अब देखो AM जो है AB का हाफ है ना तो लिखेंगे यहां से AM equal to 1 by 2 AB हाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अब देखिए प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है AB equal to AB ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा AB equal to 1 by 2 A और CN equal to 1 by 2 CD ठीक है नाउ इसको लिखे 1 नाउ फ्रॉम 1 AM equal to CN ना AM equal to CN we imply that AM का मतलब क्या है व्हाट पैटर्न में AB 1 by 2 AB equal to CN का 1 by 2 CD 1 by 2 CD 1 by 2 CN 1 by 2 cancel AB equal to CD proof हो गया AB equal to CD proof और यही हमको निकाला है AB equal to CD कोई कंफ्यूजन देखिए ये है कोई दिक्कत नहीं है कह रहा है equidistant from the center are equal. If there are two bars which are situated with circles at equidistant, then we have to prove they are equal to each other. यानी कि आपस में क्या होंगे बराबर ठीक है इसके लिए हम क्या करते हैं दोनों ट्रेंगल्स को दो ट्रेंगल्स लेंगे दोनों ट्रेंगल्स में आप ले लीजिए इसका हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस इक्वल है ठीक है और दे रखा है अब लेकिन थ्योरम दे रखा है from the center means OM equal to OM distance भी रखा है तो hypotenuse और corresponding side में या hypotenuse और corresponding side में है तो हम जानते हैं हर इंचेस कांग्रेस से ये दोनों ट्रेंगल्स आपस में क्या होंगे कांग्रेस होंगे जब कांग्रेस दोनों हो जाएंगे इसके corresponding part में आपस में क्या होंगे कांग्रेस होंगे ठीक है corresponding part में आपस में कांग्रेस हो जाएंगे जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे इसके बाद आते हैं हमको जो भी प्रूव करना है ए बी इक्वल है सी डी तो हम जानते हैं जो ओएम है ए बी को टू इक्वल पार्ट पर डिवाइड कर रहा है इसके वाले थ्योरम हमको पढ़ चुके हैं ठीक है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाईसेक्ट द पार्ट निकाल बाईसेक्ट कर बाईसेक्ट में संभाल लेनी बता देते हैं बाईसेक्ट जब कोई लाइन डिफरेंट है
इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी एम जो है एमए का हाफ हो रहा है। इस स्थिति में एम इक्वल टू 1/2 एबी, सीएम जो होगा सीडी का हाफ होगा, सीएम इक्वल टू 1/2 सीडी। और चूंकि 1 से हम जानते हैं एम इक्वल टू सीएम, सीडी सीडी से प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से हम देख लेंगे एम इक्वल टू सीएम, एम का वैल्यू 1/2 एबी और सीएम का वैल्यू 1/2 सीडी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू सीडी। ये हमको प्रूव करना था, ओके।